असलम मैं हूं अब्दुल रशीद मिर्ज़ा संतो व मैशत के साथ इंतखाबात की आमद आमद है। आज तक पाकिस्तान में जितनी बड़ी पार्टीज़ आईं उन्होंने पाकिस्तान की आवाम को मीशत के चक्कर में लाकर वोट लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई जुल्फकार अली भुट्टो ने नारा लगाया कि हम लोगों को रोटी कपड़ा और मकान देंगे इमरान खान आए उन्होंने ये नारा दिया कि हम पाकिस्तान के अंदर पचास करोड़ घर बना के देंगे दो करोड़ नौकरियाँ देंगे लोगों को ऐसे ख्वाब दिखाए कि जो मुमकिन ना हो सके इसी तरह मियाँ नवाज शरीफ जब भी आए इन्होंने बिजनेस कम्यूनिटी को ऐसी फ्यूचर के अंदर ऐसे खाब दिखाए कि पाकिस्तान का कारोबार बेहतर होगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान का कारोबार तनजली की तरफ बढ़ता चला गया और पाकिस्तान की महिशत नीचे की तरफ आहिस्ता रवान से दुआ होती चली गई सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की आवाम कब खब खरगोश से और ख्वा गफलत से आँखें खोलेगी क्या इसी तरह पाकिस्तानी सियासतदानों के चक्कर में आकर और सुनहरे ख़्वाब देख देख कर उनको वोट देती रहेगी हमें पाकिस्तान के मुस्कबिल को बेहतर करना है पाकिस्तान की मैशत को बेहतर करना है ऐसे लोग जो पाकिस्तान के मुस्कबिल के बारे में सोचती हों जो मुखलस हों जो जानतदार हों जो मैशत के ऊपर गहरी नज़र रखती हों जो इन हालात के अंदर पाकिस्तान के जो चैलेंजेज हैं उन्हें फेस करने और उन्हें हल करने की साहियत रखती हूँ आज हमारे प्रोग्राम के अंदर हमारे मेहमान मौजूद हैं शहजाद शौकत साहब असल शहजाद साहब वाले शहजाद साहब को अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और पाकिस्तान की मैशत पर गहरी नजर रखते हैं उनसे ये पहला सवाल ये करेंगे कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो हमारे सियासतदानों ने हमें सुनहरे ख्वाब दिखाए क्या वो आज तक मुमकिन ना हो सके क्या पाकिस्तान की वहाँ आइंदा आने वाले इंतख्या के अंदर भी उन सुनहरे ख्वाबों को देख कर और उन उनकी ऐसी बातों को जो पाकिस्तान के अंदर मुमकिन नहीं हो सकती सियासतदानों की पाकिस्तान के अंदर वोट फिर देंगे उन्हें और फिर पाकिस्तान की मैश्यत की बर्बादी का हाल आपकी अपनी आंखों से देखेंगे सर रबरा मिर्ज साहब आपका सवाल एक गहरा सवाल है इसकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी आसानी से समझ सकते हैं हम वो ये कि जब आप अपनी गाड़ी को Uh, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं। आप ऐसा ड्राइवर रख दें जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती क्या आप ये रिस्क लेंगे आप नहीं लेंगे आप अप अपनी कंपनी में ऐसा सी एफ ओ रख लें जिसको फाइनेंस का नहीं पता क्या गाड़ी चलेगी कंपनी की गाड़ी चलेगी कंपनी चलेगी, चलेगी। कंपनी में हॉस्पिटल में ऐसा सर्जन रख लें जो सर्जन नहीं है दो नंबर डिग्री के साथ है क्या आपको सर्जरी करेगा वो अच्छी नहीं करेगा सर हमारा पॉलिटिकल सिस्टम बेसिकली इतना इमेच्योर है हमारे पॉलिटिशियन इम्मेचर हैं कि वो जो लॉ मेकिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनपे उसके ऊपर वो नजर नहीं रखते ये वो ड्राइवर हैं जिनको गाड़ी चलानी नहीं आती ये वो सर्जन है जो नर्स हैं और नर्स के नाम के ऊपर इलेक्शन कमीशन में जाते हैं और कहते हैं जी हम क्वालिफाइड हैं और हम लॉ मेकिंग प्रोसेस के लिए क्वालिफाई करते हैं और इलेक्शन कमीशन उनको टिकट अवार्ड कर देता है जबकि जितनी लॉज अमेंडमेंट हैं या नए लॉ वहां पास होते हैं अगर उनके बारे में उनका टेस्ट ले लिया जाए तो हम समझ जाएंगे कि हम क्यों नाकाम हैं सर जब दो पॉलिटिकल पार्टियां एक अपोजिशन में है और एक गवर्नमेंट में हुकूमत में है दोनों एक दूसरे के साथ लड़ रही हैं अपोजिशन क्या करती है कि हमारी जो रूलिंग पार्टी है वो फेल हो और रूलिंग पार्टी क्या कर रही होती है कि अपोजिशन को नाकाम करना है और उसमें पिस्ता कौन है आप मैं हम पाकिस्तानी और हमारी आने वाली नस्लें सर एक काम कर लें वो ये कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन में सिलेक्शन प्रोसेस है उसके अंदर वो ड्राइवर अपॉइंट करें जिनको गाड़ी चलानी आती है उन लोगों को टिकटें दें जिनको लॉ मेकिंग प्रोसेस की सेंस है उन लोगों को आगे लेके आए जो लॉ पढ़ना लिखना जो पढ़ी लिखी जो सेंस रखते हैं सर मैं आपको एक, एक, एक मसलन आपका बैकग्राउंड मेडिकल का नहीं है मैं आपको कहूं कि मेडिकल रिलेटेड एक पॉलिसी बना दें आप नहीं बना सकते क्यों आपका प्रोफेशन नहीं है एक जर्नलिस्ट को मैं कहूं कि वो टीवी पे बैठ के मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के ऊपर एक ऐसी टेक्निकल बहस में आ जाए वो नहीं कर सकता लेकिन कौन लेके आएंगे पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं जिन्होंने आज तक लीड किया है उसमें जुल्फार अली भुट्टो और उसके बाद बेनजीर और आगे उनकी नस्ल मियाँ नवाज शरीफ उनका भाई उनका बेटा उनकी बेटी आगे उनकी नस्ल इसी तरह इमरान खान साहब आए इमरान खान साहब के साथ उनके तो माहरीन जिनको एक लंबी जो बात की जाती थी कि उनके साथ तो मशत की मा, माहन एक बड़ी तादाद मौजूद है लेकिन वो भी आहिस्ता आहिस्ता मशत की तबाही की तरफ चले गए तो फिर वो ऐसे लोगों को जो जोशी इकानमी के ऊपर एक्सपर्ट हैं फाइनेंशल कुछ जानते हैं पाकिस्तान को इस ए, गहरे ए, इकानोमी के इश्यूज से निकाल सकते हैं वो कहाँ से कौन लोग उन्हें सिलेक्ट करेंगे या इलेक्ट करेंगे सर देखें बिल्कुल ठीक है अगर मेरे फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं अगर मैं पावर का लालच रखता हूं अगर मैं पैसे का लालच रखता हूं कि पॉलिटिकल पार्टी के साथ लिंक करके मैंने अपने बिजनेस रिलेशन बना के अपने काम निकालने हैं है, तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मुझे टिकट ना मिले मैं तो बाई कर क्रुक मैं अपने और अपने दोस्तों के लिए टिकट अरेंज करूंगा इन्फ्लुएंस करूंगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हाँ इन लोगों ने तो नहीं करना अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक स्टेट ऑर्गन है उसका जो चेयरमैन है या उसके अंदर जो हैरारकी है वो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं अगर वो बायस ना हो अगर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ वो काम करना चाहें या उनके वो रिप्रेजेंटेटिव हैं बैठे तो उधर हुए हैं लेकिन किसके लिए काम कर रहे हैं पोलिटिकल पार्टी के लिए तो पाकिस्तान के लिए काम नहीं है बेसिकली ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि ऐसे वो टेस्ट लेते हैं बाकायदा वो ऐसे लोगों को टिकट दें जो ये लॉ मेकिंग प्रोसेस के मतलब हर सेगमेंट हर सेक्टर के लॉ मेकिंग प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं उनको टिकट दी जाए खाली बी और जर्नलिज्म को ना देखा जाए उनको टिकट देंगे तो पढ़े लिखे होंगे वो जो गलतियां पुरानी पिछले सत्तर पचहत्तर सालों से हो रही हैं हम उस तरफ नहीं जाएंगे इलेक्शन कमीशन देखें इलेक्शन कमीशन को ये पता है कि बासठ और तिरसठ पे कौन उसके मुताबिक कैंडिडेट उनके पास आ रहा है इलेक्शन कमीशन को पता है कि नाइन्टी डेज पूरे हो गए इलेक्शन करवाने हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन किसके कहने पर पाकिस्तान के अंदर हैंडल होता है उनके मुताबिक डिसंस करता है उनके मुताबिक इलेक्शन में डिलेज लाता है सर ये एक लम्हा फिक्रिया है अभी मैंने को तीन नवंबर को एक लेटर लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मैंने लिखा है जी पिछले 2008 से ऑनवर्ड जो करंच आया था इंटरनेशनल क्रेडिट करंच उसके बाद से हम क्रंच में रहे हैं क्रंच में रहे हैं अब वो क्रंच से हम क्रश की तरफ जा रहे हैं क्रैश की तरफ जा रहे हैं क्रंच में सर्वाइवल आसान है क्रैश में सर्वाइवल बहुत मुश्किल है अभी जो आपका सवाल है सर जो एस्टैब्लिशमेंट है जो हमारा आईएसआई का पॉलिटिकल विंग है और इकोनॉमिक विंग है इवन मैंने फोन पे उनको एडवाइस किया फोन आया कि जी आप हमारा पब्लिक डेट किधर जा रहा है मैंने कहा जी मेरे साथ फेस टू फेस मीटिंग कर लें कहते नहीं फेस टू फेस मीटिंग नहीं कर रही मैंने कहा जी पब्लिक डेट अगर आपने आज कंट्रोल ना किया तो दो के फर्स्ट क्वार्टर तो फर्स्ट क्वार्टर मैनेज कर लें लेकिन सेकेंड क्वार्टर में आप क्रैश की तरफ जा रहे हैं अगर सेकंड क्वार्टर में आप सर्वाइव करते हैं तो आगे वो स्नोबॉल फैक्टर बहुत गंदे तरीके से हमें क्रैश और फर्दर क्रैश की तरफ लेके जाएगा इसको कंट्रोल आज करना है सर उन लोगों को इस वक्त सोल्यूशन नहीं मिल रहा वो इधर उधर फोन घुमा रहे हैं कि हाउ वी कैन रिजॉल्व दिस सिचुएशन अभी अगर वो इलेक्शन कमीशन की एक अभी जो 90 डेज में कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि 90 डेज में आप इलेक्शन करें होने चाहिए क्योंकि लॉ है लॉ को अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो वी विल बी लाइक हेडलेस चिकन हमें पति कहां जा रहे? लॉ को फॉलो करते हुए वो जो पाकिस्तान की फेवर में है हमें इलेक्शन करवाने चाहिए लेकिन उस इलेक्शन में उस लेटर में मैंने ये लिखा कि हम क्रैश में क्यों जा रहे हैं और आखिर में ये रिक्वेस्ट कर दी कि सर आप इसको कंसिडर करें और इलेक्शन कमीशन ने जो पिछली टिकटें दी थी दो में दो में उनके टेस्ट लें कि क्या वो कैपेबल थे लोग जो लॉ मेकिंग में है जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का अमेंडमेंट एक्ट 2021 पीटीआई गवर्नमेंट कर गई वो ऐसा छुरा घूम गई है हमारे आने वाली नस्लों की कमर में कि उसको हलाना हमारे लिए बहुत मुश्किल इमरान खान साहब के पास शब्बर जैदी जाते हैं एफबीआर के वो उसे लीड कर रहे थे तो उन्हें जाके कहते हैं जी कि हमारा रेवेन्यू पाकिस्तान का इंक्रीज़ तब हो सकता है कि इन इन एरियाज़ के अंदर टैक्सीशन फर्दर की जाए तो इमरान खान साहब का ये जवाब था कि यार मुझे फजलरहान के धरनों की फिक्र है कि वो पाकिस्तान में धरने दे रहे हैं और पोलिटिकली हमने उसे मैनेज कर कैसे करना है तो आप मेरे पास टैक्सेशन और रेवेन्यू इंक्रीज़ की बात करने आ गए तो फिर वो कहते हैं कि मेरे पास जब इमरान ख़ान साहब ने मुझे ये जवाब दिया तो मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं थी कि मैंने सैलिड पर्सन के ऊपर फर्दर टैक्सेशन कर दी और जिसके नतीजे के अंदर उनके टैक्सेस बढ़ गए जब हमारे वज़ी अज़म की यह पोजिशन होगी तो पाकिस्तान के बाकी डिपार्टमेंट इकानोमी के ऊपर क्या इंटरेस्ट लेंगे सर ये ऐसे ही है कि आपने ड्राइवर को गाड़ी दी हुई है और ड्राइवर को ये बताया जा रहा है कि आगे खड्डा आ रहा है वो कह रहा है नहीं मेरे से ड्राइविंग सीट ना ले ले जो साथ बैठा हुआ है खड्डे को मैं बाद में देखूंगा गाड़ी जाए भाड़ में आई एम सॉरी टू से लेकिन मैं थोड़ा सा ये चुटकला इसलिए कर रहा हूं कि वो ड्राइवर जिसको अपने ड्राइविंग के मजे लेने हैं वो चाहता है मैं ड्राइविंग के मजे लेता रहूं लेकिन गाड़ी के साथ क्या हो रहा है ही डजेंट केयर सो इसका मतलब ये हुआ कि इस सोच में उनकी चूंकि वो एक परफेक्ट ड्राइवर नहीं है

कंसल्टेंसी में बिजनेस डेवलपमेंट में एडवाइजरी में शब्बर जादीज वेरी गुड अलहमदिल्ला आई लर्न फ्रॉम हिम सो मच सो हमारा जो सर ये इस वक्त टॉपिक है उसमें जो शब्बर जदी साहब ने इमरान साहब को ये ब्रीफ किया कि हमें ये टैक्सेस बढ़ाने हैं अब उनको अपना पोलिटिकल था अगर टैक्स बढ़ाएंगे तो फजल रहमान साहब और पोलिटिकली उनको खराब करेंगे सर टैक्स बढ़ाने के लिए जो एक लगता टॉपिक हो जाता लेकिन मैं फर्द से को फार्मोमेटिक ऐड कर देता हूं कि अगर आपकी इनकम एक लाख रुपए है महीना और आपका खर्चा पचास हजार रुपए और आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की आपको इनकम इंश्योर करना तो आप पचास, पचास टैक्स में दे, दे दें यू आर हैप्पी लेकिन जब आपकी इनकम है एक लाख रुपए और आपके घर का खर्चा है पांच लाख रुपए तो आप तो एक रुपया टैक्स देने की पोजीशन में ही नहीं है सो इसलिए सर गवर्नमेंट की पॉलिसीज में अगर हम उसको देखें कि हमने पाकिस्तानियों की इनकम कैसे बढ़ानी है पाकिस्तानियों की इनकम बढ़ाएं तो टैक्स जितना मर्जी लेते जाए इनको यही सेंस नहीं है क्योंकि ये हमारे इनकेपेबल इलेक्शन कमीशन ने हमें टिकटें दे के हमारे सामने बैठाए हुए हैं उनको सेंस ही नहीं है कि फाइनेंशियल इकोनॉमिक क्या है इकोनॉमिक्स क्या है और उसकी ट्रांजेक्शन क्या है एक सर रेट सूद का एक रेट ये कैलकुलेट नहीं कर सकते परसेंटेज में तो ये लॉ हमारे लिए बना रहे जिस दिन इलेक्शन कमीशन अपनी एक ड्यूटी पूरी कर दे कि टिकट उन लोगों को दे जो कैपेबल है डेढ़ साल मिया शबाज शरीफ ने पी डी एम के साथ हुकूमत की डेढ़ साल उस हुकूमत के दरमियान उन्हें कंसल्टेंसी मुयसर रही मियाँ नवाज शरीफ की उनसे पूछ के वो स्टेप्स लेते रहे पोलिटिकल स्टेप इकोनोमी के स्टेप्स और वो आगे डेढ़ साल उन्होंने वक्त गुजारा अब पाकिस्तान को यह नक्शा पेश किया जा रहा है कि नवाज शरीफ आएगा तो पाकिस्तान की मीशत को बेहतर करेगा जबकि 2018 के अंदर मिया नवाज शरीफ जाते हैं तो 40 परसेंट डेट को इनक्रीज करके जाते हैं उस के अंदर क्या पाकिस्तान में जब मियाँ शबाज शरीफ मियाँ नवाज शरीफ के साथ मौजूद थे उसके बाद हुकूमत आती है निगरान हुकूमत के बाद फिर ख्वाब दिखाए जा रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ आए गए तो पाकिस्तान की मैशत बेहतर होगी क्या ये मुमकिन है सर पहले तो मैं आपका सवाल इस तरीके से बयान करता हूँ कि वो लोग जिन्होंने तीस तीस साल वक्ता फवक्ता हुकूमत की है कि क्या उनका नॉलेज अप टू मार्क है कि इस सचुएशन को संभाल सके फिर रिपीट करूंगा कि इलेक्शन कमीशन को उनका टेस्ट लेना चाहिए नवाज शरी शाह को टिकट देने से पहले उनका टेस्ट लेना चाहिए क्योंकि लॉ अंडरस्टैंड करते हैं इकोनॉमिक्स अंडरस्टैंड करते हैं हमारी इकोनॉमिक वार है इस वक्त हमारी बॉर्डर वार नहीं है तो आपका सवाल सर ये है कि क्या ये आगे इकोनॉमी हैंडल कर पाएंगे तो उसका जवाब है नहीं क्यों इसलिए कि जो उन्नीस से लेके 2023 तक हम पर वो पॉलिसीज़ जो खान जब हमारे सर पे पड़े थे उनसे लेके 2022 तक जो पॉलिसीज़ हम पे इंपोज हो रही हैं, होती रही हैं, उनका इंपैक्ट अंडरस्टैंड कर लें तो जवाब है नहीं हाँ उस इंपैक्ट प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके सोल्यूशन की तरफ जाना शुरू कर दें तो हाँ जिस दिन नवाज शरीफ साहब को सोल्यूशन समझ आ गया कि प्रॉब्लम एक्चुअली ये है और सोल्यूशन ये प्रॉब्लम क्या है सर हमारी प्रॉब्लम यह है कि मैं आपको हिस्ट्री में लेके जाता हूं आप चले जाए उन्नीस सौ में चले जाए उन्नीस सौ में पूरी दुनिया में जो डॉलर सेंट्रल बैंक में पड़ा हुआ था ना वो एक परसेंट से भी कम था हमारे जितने ये मेंबर हैं सेनेट के या नेशनल असेंबली के उनसे पूछें उनको पता नहीं होगा और जब उन्होंने अपनी प्लानिंग किया कि यूएसए ने कि अपनी डॉलर को पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंक में फैलाने की कोशिशें शुरू कर दी उस वक्त पाउंड सेवेंटी एटी परसेंट तक था इसमें कभी प्रोग्राम करेंगे डिटेल के साथ अब पाउंड की हुकूमत खत्म होनी शुरू होगी जब डॉलर बढ़ना शुरू हो गया डॉलर पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंक सर्कुलेशन में बढ़ रहा है तो पाउंड नीचे जाना शुरू हो गया डॉलर बढ़ना शुरू हो गया और 19 और यह आलम हो गया एक वक्त दोनों बराबर हो गए 45 45 पे आ गए और बाकी दुनिया की करेंसीज लेस करेंसी फाइव परसेंट सर्कुलेशन डॉलर की है 45 पाउंड की की है तो सर जिस दिन आपके सर्कुलेशन बढ़ेगी पूरी दुनिया की इकोनॉमी में आप तरक्की की तरफ चले जाएंगे आप तो अपनी रुपी को डिवेल्यू करते जा रहे हैं क्रश करते जा रहे हैं कैश करते जा रहे हैं ये सवाल यह पैदा होता है कि क्यों करते जा रहे हैं किसके कहने पे करते जा रहे हैं अभी आप देखें के मियाँ शरीफ को लॉन्च किया जाता है और इमरान ख़ान को और उसके दरमियान पीरियड आता है मियाँ शरीफ और पे डी एम का इमरान ख़ान ने एक स्टेप लिया उसने रशियन और यूक्रेन वॉर के अंदर जाके रशियन प्रेजिडेंट से मुलाकात की पाकिस्तान जैसे छोटे के अंदर यहाँ पर इकानमी हम सेट नहीं करते जो मार्जिन से हम फंडिंग करवाते हैं वो सेट करते हैं आलमी एजेंसी सेट करती हैं आई एम एफ़ वर्ल्ड बैंक सी आई एवन कि अमेरिका और यूरोप उन्होंने क्या किया कि जब ये हमारी इस लॉबिंग और ग्रुप से निकल रहा है तो इन्हें कंट्रोल किया जाए उन्होंने हमारी एक्सपोर्ट के ऊपर एक स्टेप लिया वहाँ पे और जिसकी वजह से वो कम होती चली गई हमारी एक्सपोर्ट कुछ 27 बिलियन डॉलर पे इंपोर्ट हमारी 74 बिलियन डॉलर पे उन्होंने फिर देखा कि इस खत्े के ऊपर हमने हुकूमत करनी है इधर चाइना है अफगानिस्तान से मार खा चुके हैं इंडिया जो है वो हमारी तरह नहीं बल्कि अपनी सोच के साथ चलता है किसी टाइम उन्हें सपोर्ट करता है किसी टाइम नहीं करता तो ये वो ख़त् है जो गुलामों का ख़त् है अब जो इस्लामी इस्लाम की बुनियाद पर लिया गया लेकिन मियाँ नवाज शरीफ गुलाम निकले शहबाज आसफ़ अली जरदारी शहबाज शरीफ और इवन के वो लोग जिनका मैं तस्करा नहीं करना चाहता वो भी उसी गुलामी के अंदर उन्होंने जिस तरह एक किसी चौधरी के ऊपर जाके उसका मुजारा आँख नहीं उठा सकता इसी तरह हमारे हुक्मरानों ने उस चौधरी जैसे अब यूरोप अमेरिका आई एम एफ वर्ल्ड बैंक और इन चौधरीओं के सामने अपने आप को बेचा मियाँ शबाज शरीफ उसी तरह वापस आ रहे हैं उससे पहले प्लान दिया गया कि तुमने जाके पाकिस्तानी मीशत के ऊपर और पाकिस्तान के अंदर अभी ग्वादर पोर्ट की आए आने वाले दिनों में बात शुरू हो जाएगी कि वो वो हम अमेरिका अमेरिका के वाले कर रहे हैं सी आई ए ने मियाँ नवाज शरीफ को लॉन्च किया और पाकिस्तान के उन बड़ों को कि जो मियाँ नवाज शरीफ को ले के आना चाह रहे हैं उन्हें भी बताया कि अगर तुमने सर्वाइव करना है तो हमारे साथ चलना पड़ेगा क्या हम इसी तरह हमारी मीशत गुलामों के साथ बढ़ती चली जाएगी जब तक आपने कहा इकोनॉमिक वार की बात की इकोनॉमिक वार, वार तो हम हार गए सेकंड वर्ल्ड वार के बाद इकोनॉमिक वार ही होती चली जा रही है इंडिया के सामने हमारा इकानमी का कोई कंपैरिजन नहीं है इंडिया इस इवन के श्रीलंका और जितने आपके ममालिक हैं जिन एक वक्त के अंदर जब आप कंपेरिज़न किया करते थे वो कम्पेरिजन ख़त्म हो गया अब आप, आपकी मैशत किसी जगह पर भी फॉल नहीं कर दी अब तो आप हर हुक्म मानने के लिए तैयार हैं जिसके बदले में आपको एक बिलियन डॉलर ही चाहे मिल जाए तो क्या पाकिस्तान इस गुलामी से निकल सकता है सर पाकिस्तान इन निकलेगा ऑन ए पॉजिटिव नोट क्यों हमारा काम ये है मेरा और आपका काम यह है कि हम प्रॉब्लम जो है उसको कन्वे कर दें अपने हुक्मरानों को चाहे वो फौज में बैठे हैं चाहे इस्टेब्लिशमेंट में बैठे हैं चाहे पॉलिटिकल हैं चाहे ब्यूरोसी में है उसके लिए मैंने रिक्वेस्ट की थी आ, चार पाँच साल पहले लेटर लिखे चीफ साहब को भी और प्राइम मिनिस्टर साहब को भी कि वाइट बोर्ड के ऊपर मेरे से प्रजेंटेशन ले लें उस वाइट बोर्ड का ये है कि चूंकि फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स ऐसा एरिया है जिसमें हम पाकिस्तानियों की कोई एक्सपर्टीज नहीं है चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी का हेड ऑफ इकोनॉमिक्स है चाहे एच का चेयरमैन है उनको कोई अंदाजा नहीं है कि वाट इज फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स इसलिए वाइट बोर्ड पर पंद्रह मिनट की प्रेजेंटेशन में उनको प्रॉब्लम समझ आ जाएगा अब आगे आ जाएं इस वक्त कंसिडरिंग के प्रॉब्लम समझ नहीं आए तो प्रॉब्लम कैसे समझ आएगी उसका तरीका यह है कि एक बिलियन डॉलर अगर आईएमएफ से हमने लेना है तो हमने इसलिए लेना है कि हम सरवाइव करना चाहते हैं जो हमारा ड्राइवर है जो गाड़ी चला रहा है वो उसको इसलिए लेना है कि यार मैं यहां से के एक किलोमीटर आगे तो चला जाऊं लाइबिलिटी तो मेरे आने वाले बच्चों पर होनी है पेट्रोल डलवा लूं वो एक बिलियन डॉलर एक लीटर पेट्रोल है वो डलवाता है और दस किलोमीटर चलने के लिए वो एंजॉय करता है उसमें अपने आने वाले जो साथ एक किलोमीटर जो दस किलोमीटर उसने जाना है उसमें उनको बेनिफिट देता है आगे जाके फिर गाड़ी आहिस्ता हो जाती है अब वो जो उसने एक लीटर पेट्रोल डलवाया पैसे तो नहीं है उस ड्राइवर के पास उसने कहा मेरे आने वाले बच्चे आपको देंगे मेरे आने वाले बच्चों के बच्चे आपको देंगे दैट इज ए मॉडर्न लेवल वो एक बिलियन डॉलर क्यों दिया जाता है उसके लिए कहा जाता है कि आप पाकिस्तान की करेंसी डी वैल्यू कर दें कहा जाता है ना सर उसमें इमरान खान के नवाज शरीफ के साग डार के और बेनजीर के सब के आप क्लिप्स चला लें सब कहते हैं जी रुपी पे प्रेशर पड़ जाता है ओ भाई रुपी पे प्रेशर पड़ने से आपको डॉलर तो नहीं आ जाते रुपी पे प्रेशर नहीं है स्टेट बैंक अपनी जो उसकी रिक्वायरमेंट है कि उसने जो अपनी हैं उनको पूरा करना है वो पूरा नहीं कर पाता हर एक बिलियन डॉलर लेने के लिए पचास बिलियन डॉलर का लॉस पाकिस्तानियों को दिया जाता है और लाइबिलिटी कम की जाती है और लाइबिलिटी कम करके वो आपको लोन देता है डोमेस्टिक डेट हमारा सैतीस हजार अरब है मैंने मिसाल दिया करता हूं हमेशा कि अगर तीस हजार अरब रिज्यूम करें सौ रुपए का डॉलर तो तीन सौ बिलियन डॉलर है तो आपने अगर उसको दो सौ रुपए का कर देंगे तो वो आपकी डेढ़ सौ बिलियन डॉलर की लाइबिलिटी रहेगी तो एक बिलियन आपको मिल गया हमारे आने वाले बच्चों के बच्चों की जो वेल्थ है उसको डिस्ट्रॉय करके कोलेट्रल डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से उसके बाद हमें डॉलर बिलियन डॉलर दिया जाता है सर यह प्रॉब्लम है इस कैसे है? एक ब्रेक लेंगे और बाद में बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट अपने पैरामीटर्स के ऊपर और उसकी बुनियाद के ऊपर सिक्सटी फाइव थाउजेंड इंडेक्स क्रॉस करती है या उससे पाकिस्तान के वो इन्वेस्टर जो सट्टेबाजी करते हैं वो उसको ऊपर लेके ले जा रहे हैं क्या फ्यूचर में स्टॉक मार्केट स्टेबल रहेगी कोलेप्स कर जाएगी ब्रेक के बाद दोबारा हजार के अंदर स्टॉक मार्केट एक अस्से के बाद सिक्सटी फाइव थाउजेंड इंडेक्स क्रॉस करती है जबकि पाकिस्तान की मैशत आहिस्ता आहिस्ता फर्दर डाउन की तरफ जा रही है क्या पाकिस्तान में सोने के खायर निकल आए हैं या पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बेहतर हो रही है या पाकिस्तान के फारेन रिजर्व बेहतर हुए स्टॉक मार्केट क्या ऊपर रहेगी या स्टॉक मार्केट आने वाले दिनों में कोलेप्स कर जाएगी पाकिस्तान के आम इन्वेस्टर को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या रुकना चाहिए जी आज हमारे मेहमान जो हमारे साथ गुफगु कर रहे हैं षान शौकत साहब मैं उनसे बात करूंगा कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट क्या स्टेबल रहेगी या कोलेप्स कर जाएगी सर Uh, देखें जब भी स्टेबिलिटी की तरफ हम जाते हैं ना तो दैट इज़ लॉन्ग लास्टिंग मायर्स हमारी चार स्टॉक चेंज थी एक कर दी गई क्यों कि हमारी जो हम पहले सेशन में बात कर रहे थे कि डॉलर इतना महंगा हो गया कि लाहौर इस्लामाबाद कराची स्टॉक चेंज हो वो हम हमें मर्ज करनी पड़ गई क्यों ओवरऑल टर्म इन टर्म्स ऑफ डॉलर वॉल्यूम बिल्कुल थोड़ा सा हो गया mm. अभी ये ऊपर की तरफ जा रही है ऊपर की तरफ ले जाई जा रही है क्योंकि देखें ना तो एक सिचुएशन क्रिएट की है चीफ साहब ने और बाकी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि डॉलर को फिक्स कर दिया अब डॉलर में सट्टेबाजी खत्म हो गई पहले डॉलर में सट्टेबाजी चल रही थी कि डाल अब चूंकि डॉलर बिल्कुल फिक्स हो गया अब उसमें प्रॉफिट नहीं है अब जो चीज रह गई है लीगली गैम्बल करने के लिए वो है पाकिस्तान स्टॉक्स उसके अंदर दस दोस्त बैठे हों तो वो मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं अगर उनके पास फंड हैं और उनको एश्योरेंस है क्रैश नहीं होगी अभी तो दे कैन मैनिपुलेट थिंग्स मैन पहले भी ऐसे होता था मियाँ मनशा मलख रियाज और ये जितने मियाँ नवाशिफ के दोस्त थे साथी थे बैठते थे एक बिलियन उसने इन्वेस्ट कर दिया एक उसने कर दिया कि आज सात आठ बिलियन की एक दिन में इन्वेस्टमेंट होगी मार्केट ऊपर चलेगी निकाल ली कोलेप्स गई तो यही लोग इन सर शौकत अजीज का दौर याद है आपको उस वक्त भी मार्केट बहुत ऊपर ले गई इन्होंने उनको फंड किया स्टेट बैंक के थ्रू उनको फंड किया तमाम ब्रोकर्स को तमाम लोगों को कि इसको प्रमोट करें अब उसमें फायदा किसका होता है सर इसका प्रोसीजर समझें आज आपको इसका प्रोसीजर बनाता हूं मेरे पास दस अरब के इन्वेस्टमेंट है इस बिजनेस में मैं अभी उसकी मार्जिन की तरफ नहीं जा रहा उस दस अरब से आज मार्केट में से मैंने चीदा चीदा को पचास कंपनियों के शेयर खरीद लिए दो अरब के फिर अगले दिन मैंने एक अरब के और खरीदे प्राइस बढ़ा दी फिर एक अरब के और खरीदे प्राइस बढ़ा दी फिर एक अरब के और खरीदे प्राइस बढ़ा दी अब यहां पे जो हमारी 20 करोड़ अवाम में लोग बैठे हुए हैं जिनके पास रोजगार नहीं है सेविंग्स पड़ी हुई है कंसिडरिंग हलाल प्रॉफिट है कि जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्रोटेक्टेड है शरिया कंप्लायंस है और मुफ्तियों के फतवे हैं तो वो इस तरफ जाते हैं कि यार इसमें तो अगर मैं इस शेयर को खरीद लूँ तो ये सब बीस रुपए का है पच्चीस रुपये का होगा तो मुझे पच्चीस प्रॉफिट हो जाएगा पांच रुपए मार्जिन है वो पब्लिक आनी शुरू हो जाती है दस अरब मेरा डाला हुआ है लेकिन पचास अरब पब्लिक का आ गया मैंने शेयर खरीदा हुआ था पंद्रह रुपए पे मैं इसको ले गया बीस बाईस पच्चीस रुपए पे अब पच्चीस पे ले जाके मैंने एग्जिट कर लिया जिस दिन मैंने एग्जिट किया उस दिन जो पब्लिक का पैसा है सर वो डूब गया वो डूब गया अब ये जिस दिन हमारे इन इन्वेस्टर भाइयों ने एग्जिट करना है उस दिन पब्लिक का पैसा डूबने उसने क्रैश कर जाना फिर उन्होंने इसको स्टॉप लगाना है कि नहीं पैंसठ हजार रुपए तो साठ हजार रुपये लॉक कर दें इस पे लॉक कर दें इस पर लॉक कर दें और खास तौर पर सर जब ये हमारा मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी फोर आना है अल्लाह करे इलेक्शन हो जाए तो उसके बाद जो नई गवर्नमेंट आनी है उसके ऊपर ये कलदा एटम बम होगा एक तो उसने पचहत्तर बिलियन डॉलर पच्चीस बिलियन डॉलर अरेंज करना है और दूसरा ये जो मार्केट क्रैश हो के एक बम गिरेगा हमारे पाकिस्तानियों के ऊपर ये एक डबल एज सवार होगी कि एक धारी तरह दो तरफ धारी तलवार रहे हैं जिसकी जिसका ज़ख्म मेरे और आपके आने वाले बच्चों पे अल्लाह ताला हमें माफ़ करे हमें ये सेंस होनी चाहिए कि स्टॉक एक्सचेंज में अगर प्राइस ऊपर लेके जा रही है पाकिस्तान की रेपोशि बढ़ाने में बिल्कुल जानी चाहिए लेकिन उसी मकदार से पीछे जो कंपनीज परफॉर्म कर रही हैं उनके अंदर सर मसल मैं मिसाल देता हूँ मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है उसका दस करोड़ पिछले साल प्रॉफिट था और वो उसने एक अरब की ट्रेड की थी सेल की थी सर आज क्या हो गया आज ऐसा क्या हो गया कि उसका वो जो एक अरब की सेल थी और दस करोड़ का प्रॉफिट था वो दो अरब को सेल हो गई और बीस करोड़ का प्रॉफिट हो गया नहीं ऐसा नहीं है वो एक अरब की सेल बड़ी मुश्किल से सस्टेन कर रहा है अगर सेल बढ़ रही है प्रॉफिट बढ़ रहे हैं डिविडेंड बढ़ रहे हैं तो, तो दैट्स गुड वो चीज नहीं बढ़ रही डिविडेंड किसके बढ़ रहे हैं इस्लामिक बैंकिंग के डिविडेंड किसके बढ़ रहे हैं कन्वेंशनल बैंकिंग के बीस बाईस चौबीस परसेंट तक काइबर रख के किसको प्रॉफिट दिया जा रहा है और टैक्सों से लेके बैंकों को दिया जा रहा है कैसा सिस्टम है सर पब्लिक का पैसा डिपॉजिट आया बैंकों में बैंकों से डिपॉजिट लोन चला गया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पच्चो बीस से लेकर पच्चीस परसेंट तक सूद पे किया और सूद पे करने के लिए टैक्स हम पे लगा दिया दैट इज सर ये देखें यही चीज उनको समझ नहीं आती कि स्टेट बैंक किस तरीके से सूदी निज़ाम को प्रोटेक्ट कर रहा है और वो मुफ्ती जरात जो इसको कायबर को कह रहे हैं कि सूद नहीं है वो तो क्या मत वाले दिन अल्लाह को जाने हम तो उनको कह रहे हैं कि ये सूद है अगर वो मान जाए तो उनका दुनिया में भी भला आखिर में भी भला शहजाज साहब ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर जब भी इंतख्या होते हैं तारीख यह कहती है कि आखिरी साल का जो बजट है जिसकी हुकूमत होती है वो इसलिए डिजाइन करती है कि ताकि सड़कें लोगों को नजर आती हुई ब्रिजेज मिले वो उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है सड़कें बन रही हैं अवाम तक ये समझे कि फ़लाह व बहबूद का काम बहुत हो रहा है तो इस पार्टी को वोट दे दिया जाए अभी भी इन्होंने यही किया कि पाकिस्तान के अंदर से जितने बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं बादशाह और मोमन डैम ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो पाकिस्तान के मुस्तबिल के लिए ज़रूरी हैं इसके अलावा दासू है तो उन प्रोजेक्ट्स का बजट कम करके पीएसडीपी ने और इसी तरह एडीपी ने वहाँ से उठा के उस पैसे को उस बजट में डाल दिया कि जहाँ पर सड़कें बननी हैं या जहाँ पर गलियाँ बननी हैं और ब्रिजेस बननी हैं ताकि इंतबात का साल है तो उस फंड से ऐसे शो किया जाए कि जैसे निगरान अकूमत बड़ा परफॉर्म कर रही है जैसे शुबाज शरीफ हकूमत के प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं क्या इसी तरह पाकिस्तान की इन की नजर होती रहेगी सर एक मिसाल देता हूं आपको लतीफा भी है कल इस्लामाबाद में था मैं गाड़ी का पेट्रोल डलवाने के लिए जिस पेट्रोल पंप पर रुके ना वो बड़ी लंबी लाइन थी मैंने साथ दो इतनी लंबी लाइन क्यों है कहते सर कुछ ना पूछे क्यों लंबी लाइन में क्या है कहते जी ये जो जो रेट दिया गया है जो पब्लिक ने अनाउंस किया है पेट्रोल का रेट उससे एक रुपया अच्छा। बीस लीटर पेट्रोल डलवाना है छह हजार रुपए का पेट्रोल डलवाने के वो बीस रुपए की सेविंग कर रहा है हमारी अवाम बेसिकली सेंस नहीं रखती कि वो पॉलिटिकल पार्टीज के डिसीजन को अंडरस्टैंड कर सके सर आप देखें ना बीस रुपए का पेट्रोल डलवाने के लिए आप पच्चीस लंबे पच्चीस गाड़ियों के पीछे खड़े हैं दो घंटे जाया करेंगे दो घंटे करें। जाया करना है बीस रुपए सेविंग के लिए दैट इज नॉट ए सेंस क्योंकि बीस जितनी लाइन में उतना पेट्रोल उधर लग जाए ना बीस रुपए का पॉइंट जीरो 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 परसेंट सर लेकिन हमारी चूंकि वाम इतनी सेंस नहीं रखती वो ये समझ गई इसने एक रुपया सस्ता देना लीटर का तो हम इसे पेट्रोल डलवाते हैं So, इसी तरह पॉलिटिकल पार्टीज और केयर टेकिंग गवर्नमेंट जो है वो ठीक है वो पाकिस्तानियों को दिखाना चाह रही है सी कि वी आर बेटर देन दोज सिलेक्टेड कैंडिडेट सिलेक्टेड पार्टी जो इलेक्शन से होती है उनसे बेहतर है बात भी ठीक है क्योंकि जब वो इलेक्शन जो जो कौमी असम्बली में दो पार्टियां चली चार चली वो ब्लैक में, में आ गई एम ने उसकी टांगे खींचनी है पीपल पार्टी ने उसकी टांगे खींचनी है पीटीआई ने फजल खींचनी है फजल रान ने पीटीआई की खींचनी है वो टांगे खींचने में नुकसान होता रहता है इस वक्त टांगे खींचने वाला कोई नहीं सर इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट ये होती है कि आपने अगर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कर दें तीन साल ले लें मेरी सजेशन ये थी आज से 2018 में जो मैंने सजेशन लिख के भेजी थी कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कर दें उसके बाद इलेक्शन करें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में आप बाइंड करें कैपेबल कैंडिडेट्स प्लस उनके रूल्स एंड रेगुलेशन बना दें कि उन्होंने जो असेंबली में एक दूसरे की टांगें खींचनी वो नहीं कह सकते पाकिस्तान के फेवर अपने बेनिफिट के लिए एक मर्तबा सिलेक्ट हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह तला को हजरत अली रजी अल्लाह तला ने वोट नहीं दिया था जब वो खलीफा के लिए चुने जा रहे थे तो हजरत उम्र फारूक चुने गए जब चुने गए तो हजरत अली रजी अल्लाह तला को बिठाया सामने कि भैया आपने मुझे वोट नहीं दिया था मेरे अंदर जो खामियां हैं मैं अल्फाज तो वो नहीं लेकिन मैं आपको करक्स बता रहा हूं वो बताएं कि जी आप सख्त बहुत है मुझे लगा कि अगर आप बन गए तो आप ये जो अवाम है हमारी उसके साथ बड़ा सख्ती वाला मामला करेंगे उनका जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है लेकिन वो इतने नरम हो गए लेकिन हजरत अली फिर उनके साथ जुड़ गए हर मामले में हमारे यहां ये होना चाहिए कि अगर एक हुकूमत बन गई है तो दूसरा जो अपोजिशन है वो जुड़ के मुल्क के लिए काम करे ना कि उसकी टांगे खेचे सो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आज भी नहीं है अगली गवर्नमेंट आएगी फिर टांगे खींची जाएंगी नुकसान मेरा और आपका होगा इसलिए जो हमारी स्टेब्लिशमेंट है जो हमारे केयर टेकर गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर हैं जो हमारे इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हैं उन सब को इस चीज पे आना चाहिए कि हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ऐसे क्या करें कि वो प्रॉब्लम जो भी आपने अपने प्रेम्बल में की कि उनसे हम बच सकें इलेक्शन कमीशन की आपने बात की कि इलेक्शन कमीशन रिफॉर्म्स की तरफ जाएगा और इलेक्शन कमीशन टेस्ट लेगा इलेक्शन कमीशन अच्छे कैंडिडेट्स लेके आएगा लेकिन इलेक्शन कमीशन तो एक इशारे के ऊपर अपनी पॉलिसीज़ बदल देता है तो फिर कौन से ऐसे अदारे हैं तो हम इस्टेबलिशमेंट की बात करें हम पाकिस्तान की उन इंटरनेशनल एजेंसीज़ की बात करें तो उनके सामने तो एक मोर है तो उस मोरे को फिर कौन यूटिलाइज कब उस चेंज आएगी कि जिस जब इलेक्शन कमीशन आज़ादाना फैसले करेगा और पॉलिसीज़ डिज़ाइन करेगा सर कुछ अल्लाह की ब्लेसिंग इस वक्त बहुत प्यारी है पाकिस्तान में वो ये कि जो खेल चला है ना 1990 से लेके ऑनवर्ड उसमें सेगमेंट सेक्टर सामने नजर आ रहे हैं कौन रिश्वत ले रहा है कौन रिश्वत नहीं ले रहा कौन रिश्वत खुल के ले रहा है कौन रिश्वत खुल, खुल के नहीं ले रहा कौन कैपेबल है कौन कैपेबल नहीं है ये क्लियर है इस वक्त मेरा एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट जानता है ठीक है वो जो भी हमारा मीडिया कैंपेन चल के ब्रेन वॉशिंग हुई हुई हमारी यूथ में कोई लेकिन हम जानते हैं कि सीधे रास्ते पे कौन है और सीधे रास्ते पे कौन नहीं है इस वक्त चीफ जस्टिस साहब एक फैसला ले सकते हैं वो ये कि इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन करवाने जा रहा है जो टिकटें दे जिनको वो टिकट देगा उसका मुहासबा अवाम में से थ्रू सुप्रीम कोर्ट एक टेस्ट लिया जाएगा उनका मसलन मैं आम पाकिस्तानी हूं आइन मुझे मेरे राइट्स देता है मुझे वो राइट्स लेने हैं कि मुझे ये चाहिए कि रिप्रेज़ेंटेटिव कैपेबल मैं पाकिस्तानी हूं मैं ना पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर हूं ना किसी रिलीजियस पार्टी का वर्कर हूं ना मैं किसी गवर्नमेंट का एम्प्लॉ हूं मैं पाकिस्तानी हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अगर जिनको टिकट दी है चीफ जस्टिस साहब ये ऑर्डर पेश करें कि पब्लिक के सामने ये कैंडिडेट है इसका किसने टेस्ट लेना है तो आगे ले लें हम एक ही छोटे छोटे सवाल रखेंगे लाइव रिकॉर्डिंग करें टीवी पे आके अगर वो पास होते हैं जाके इलेक्शन लड़े और इसमें बड़ी अहम चीज़ आपने बात की कि इलेक्शन अभी जो हमें नज़र आ रहा है अगर वहां पे एक सो मोटो एक्शन लिया जाए कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन लें कि जो भी कैंडिडेट्स होंगे वो अपने आप को पेश करेंगे बासठ और तिरसठ के मुताबिक अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो वो इलेक्ट होंगे अगर वो नहीं होते तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो शायद पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर ऐसे लोग चले जाएं जो ले, लेजिस्लेशन करने वाले हों तो मैं मैं नहीं कहता कि बहुत बड़ी चेंज आएगी लेकिन चेंज शुरू हो जाए शुरू हो जाए तो, तो हम आज के इस प्रोग्राम में रिक्वेस्ट करते हैं आपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जिन्होंने इलेक्शन के ऊपर भी एक डिसीजन लिया कि आठ फरवरी को इलेक्शन होने चाहिए हम साथ उन्हें यह कहेंगे कि आठ फरवरी से पहले एक सु मोटो लें जिसके ऊपर यह डिसाइड करेंगे जो बासठ और तिरसठ में फॉल नहीं करता उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो शायद पाकिस्तान की यह हुकूमत और पार्लियामेंट के अंदर चंद ऐसे अफराद आए कि जो वाकई पाकिस्तान की भलाई और बेहतरी के लिए सोचें सर इसको एक एक ऐड कर देते हैं बासठ और तिरसठ की जो प्रोसेस है ना वो बहुत लंबा हो जाता है जिसमें इलेक्शन कमीशन का कहना जी हमने तो उसको देखा है बासठ तिरसठ में फॉल करता है क्योंकि वो फॉल करता है तो सुप्रीम कोर्ट उस पोजिशन में नहीं आती एक फंडामेंटल राइट्स है हमारे पाकिस्तानियों के और ये अंडरस्टूड फैक्ट है प्रियम्बल के तहत कि जो लॉ मेकर है उसको लॉ अंडरस्टैंड करना चाहिए उसको लॉ अगर बना नहीं सकता तो जो लिखा हुआ है वो तो पढ़ के बता सकता है ना जो लॉ की लैंग्वेज है उसके अंदर मैसेज तो कन्वे कर परसीव कर सकता है रिसीव कर सकता है आगे कन्वे कर सकता है अंडरस्टैंड करेगा तो प्रूव करेगा या डिसअप्रूव करेगा उसके तहत ये अवाम को हक है कि हजरत हजरतुमर फरूख रजीला के दौर में जब उन्होंने ड्रेस बड़ा पहन लिया तो एक आम मुसलमान खड़ा हो गया कहा आपकी बात नहीं मानूंगा क्योंकि आपने ये ड्रेस पहना मेरा सूडी मनापा कैसे बन गया ही द जज सुप्रीम कोर्ट के जज रिस्पेक्टेड जज हैं लेकिन हर पाकिस्तानी प्रियम्बल ऑफ पाक, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत वो भी जज है हम जज करना चाहते हैं कि क्या ये जिसको टिकट दिया गया है वो इस अहल भी है छोटे छोटे सवाल चंद इकोनॉमी के सवाल और एक लॉ अंडरस्टैंडिंग का सवाल वो तो लाइव देखें इसको डिसीजन ले सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ले के इसको इसको कॉन्टेस्ट करना चाहिए इलेक्शन के नहीं करना चाहिए सो दिस इज रिक्वेस्ट इमाम की खुशहाली की बात करें तो पाकिस्तान के दस करोड़ से ज्यादा अफराद पावर्टी लाइन से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं जिन्हें खाना मैसर नहीं है तालीम मुयसर नहीं है साफ पानी मुयसर नहीं है और अगर आप एक स्टेप आगे चले जाएं तो ये सारी जो बीमारियां पाई जाती हैं वो सिंध और बलोचिस्तान के अंदर पाई जाती हैं सिंध को पीपुल्स पार्टी कहती है कि वो मेरा वो उनका घर है सर, सर, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो सीटें लेते हैं आप वहां पे चले जाएं, तो वहां पे ऐसे उतरे हुए चेहरे आपको मिलेंगे सर, और गरीब जिसके ऊपर पहने होंगे फटे हुए कपड़े और तालीम तो दूर की बात है कि किसी ने स्कूल का रुख किया हो और खाना उन्हें बड़ी मुश्किल से किसी एक टाइम का कूड़े के ढेर से अपना रिजक तलाश करती है क्या सफल इज़्तारी जो कह रहे हैं कि बिलावल अगला प्राइम मिनिस्टर होगा और सेम पोजीशन हमारी मियाँ शरीफ़ फैमिली की है कैपिटलिज्म की जो नुमाइंदगी करते हैं जो गरीब का भला नहीं सोच सकते सरमायादार लोग हैं तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल में भला कौन सोचेंगे सर आ, यही लम्हा फिक्रिया इस तरीके से है कि ये जो क्राइसिस है ना ये बढ़ रहे हैं हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ उस क्राइसिस को इस वक्त फोर्स ही नहीं कर रहे बांग्लादेश लहदा इसलिए नहीं हुआ था कि पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट हुई थी हमारी आर्मी से ये बाकी लोगों से फाइनेंशियल क्राइसिस में वहां पे भूख नांग और यहां पे पाकिस्तान में भी इतनी ज्यादा थी कि भाई भाई के साथ लड़ना होता था और वहां डबूटी कूड़े से उठा के खाई जाती थी बांग्लादेश में वो फाइनेंशियल क्राइसिस आगे दोबारा आ रहे हैं इसलिए मैंने लिखा है इट्स नॉट क्रंच इट्स क्रैश इट इज नॉट क्रंच एनी मोर Into crash. Hmm. जैसे स्टॉक चेंज क्रैश होगी उसके साथ पूरे पाकिस्तान की क्रैश सिचुएशन शुरू हो जाएगी हम क्रैश से कैसे निकल सकते है? उसके लिए सिर्फ एक है कि हम वो पॉलिसीज अप्रूव करें लेके आए जिनसे वेल्थ सर्कुलेशन बढ़े जिनसे पाकिस्तान रुपी की वैल्यू बढ़े इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान रूपी की जो डिपॉजिट uh, हैं पाकिस्तान रूपी के डिपॉजिट अराउंड द वर्ल्ड बढ़े और पाकिस्तानी की इनकम बढ़े इनकम बढ़ेगी आधा टैक्स ले जाए अपने कर्जे उतारें अपनी जान छुड़ाएं और जब मेरे और आपके बच्चों की इनकम गारंटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर रहा होगा तो कोई चोरी नहीं होगी बलूचिस्तान में अमन आ जाएगा पाकिस्तान पंजाब में सिंध में अमन आ जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने गारंटी ली है एक रिक्शा ड्राइवर सर अगर इकोनॉमिक की बात करें अगर आप ये मैंने लंबी बात है लेकिन मैं आपको हंसे वाली बात बता रहा हूं कि एक रक्षा ड्राइवर चला रहा है ना अपनी गाड़ी को और उसके पीछे दस बी एमडब्ल्यू लगी हुई है मर्सडीज लगी हुई है कैमरेज लगी हुई है करोला लगी हुई है उन सबका पेट्रोल जो एक इकोनॉमी ऑफ स्केल है वो खत्म हो रही है करोला दस बारह लीटर कर रही है लेकिन एक रक्षे की वजह से वो आठ पे आ गई किसका नुकसान हुआ पाकिस्तान का एक रक्षे वाले ने पच्चीस हजार रुपये महीना एक्स्ट्रा कमाना है लेकिन उसने जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लॉस दिया वो पच्चीस हजार नहीं है वो शायद पांच लाख होगा ही इस्लामाबाद की बात कर रहा हूं मेरा दोस्त वो उसकी हाइब्रिड गाड़ी में बैठा उसने मुझे एक जगह पे मीटिंग में जाना था वो बड़े आराम से चला रहा है गाड़ी में तू क्यों इतनी आज चला रहा है कहता है आज इसलिए चला रहा हूं कि मेरी थर्टी किलोमीटर पर लीटर एवरेज है मैं तुम्हारी वजह से पीछे जो लाइन लगी हुई है उनका कितना नुकसान हो रहा है इसको साइड पे कर लो आहिस्ता तक चलानी तो लो ट्रैक पे ले आओ ताकि उनको जाने दो सर हमारी इकोनोमी में वो लोग जो सर्वाइवल के लिए चंद एक दो वक्त की रोटी के लिए आ रहे हैं वो लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कितना नुकसान दे रहे हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अंडरटेक करे कि जी ये हमारी जिम्मेदारी है यू विल सी द चेंज वही रक्षा ड्राइवर जो इस वक्त पाकिस्तान को पांच लाख का नुकसान दे के लाख रुपए महीने का कमा रहा है वो चार लाख रुपए आपकी सेविंग है अगर उसको कहीं और डिप्लॉय कर दे बहुत सी पॉलिसीज इंप्रूव हो सकती हैं पाकिस्तान के अंदर

मुझे मैंने जब उसकी प्रेजेंटेशन दी तो मुझे एक दोस्त ने मेरे कान में आगे कहा कि जो उधर जाएगा उसके लिए लाइव थ्रेट बन जाएगी क्योंकि जो करप्शन करने वाले अदारे और करप्शन करने वाले करप्ट ऑफिसर्स उनके अरबों रुपए की जो प्रॉफिट्स हैं दिहाड़ी है वो खत्म करने के लिए अगर आप गए तो दैट इज ए रिस्क फॉर यू फॉर योर प्रोजेक्ट तो मैंने उन्हें कहा कि जनाब अगर इसमें एस आई एफ सी का कोई रोल हो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का रोल हो प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल हो तो ये उनका काम है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना उनका काम है वहां पे जो स्मगलिंग की रोकथाम में करप्ट अनासर इन्वॉल्व है ये उनका काम है कि उसको मैनेज करना देखें क्या चीफ को नहीं अंदाजा क्या केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को नहीं अंदाजा कि अफगानिस्तान बॉर्डर पे ईरान बॉर्डर पे क्या हो रहा है क्या वो मासूम लोग जो बेचारे लेके आते हैं चीजें मैं उनको मासूम ये जो ट्रांसपोर्टर है उसका ट्रक रोक लिया कि जी इसमें उर्दू नहीं है इसमें नुवाइस नहीं है हालांकि वो अगर ड्यूटीज पे करके भी आया है तो उसके ऊपर लेबर लग जाता है मेरे एक दोस्त ने गाड़ी खरीदी उसको नहीं अंदाजा था उसने किसी फौजी से खरीदी उसने गाड़ी खरीदी मैं इस गाड़ी में बैठा लाहौर आया मुझसे मिलने के लिए हम गए नाके पे पकड़ी गई उन्होंने कहा जी आपकी गाड़ी तो स्मगल्ड है इसके अंदर तो ड्यूटी पे जी अभी तो हमने स्ता, लाख ये, ये ये उसका कार्ड है ये ट्रांसफर लेटर ट्र, ए, इन प्रोसेस है तो जी ये भी दो नंबर है ये भी दो सर तो अब वो गाड़ी क्या हवा में पाकिस्तान में आ गई किसी ना किसी अदारे के करप्ट अफसर ने उसको अंदर आने दिया नाजरीन पाकिस्तान के अंदर हर महीने दो बिलियन डॉलर की स्मगलिंग होती है जिसमें डॉलर्स भी जाते हैं और उसके अलावा यहाँ से गंदम और इस तरह की आइटम्स भी जाती हैं सवाल ये पैदा होता है कि दो बिलियन डॉलर की गंदम में और स्मगलिंग में इन्वॉल्व कौन है बॉर्डर के ऊपर कौन से लोग बैठे हुए हैं जो वहाँ से आने और जाने के लिए परमिशन देते हैं सवाल पाकिस्तान के अंदर करप्शन इतनी जो सालाना फाइव बिलियन डॉलर की करप्शन है कौन से लोग कर रहे हैं आने वाले इंतबात हमारे सर पर हैं आठ फरवरी को इंतबात होने जा रहे हैं मेरा आपको ये मैसेज है कि पाकिस्तान की अगर आप मीशत को बेहतर देखना चाहते हैं तो पाकिस्तान के लिए हुक्मरान भी बेहतर होने चाहिए एक बिरयानी की प्लेट के ऊपर अपना वोट ना बेचें ये सोच के बेचें कि अब पाकिस्तान का मुस्तबिल वो नहीं रहा कि चार छः आठ दस साल सरवाइव कर पाएगा अब आपका वोट पाकिस्तान को फौरी तौर पर पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि एक ऐसे फ़र्द को दें जो पाकिस्तान के अंदर मयशत को बेहतर करेगा हम शहजाद शौकत साहब जो हमारे मेहमान हैं आज की उनका शुक्रिया अदा करते हैं अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए